गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। तो आज हम फिर से हाजिर हैं अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव को देखने के लिए, ब्रिंगिंग अप कारी के लिए। तो अभी तक हमने देखा है कि कारी किस प्रकार से एक छोटे से एलिफेंट है और वो अपने मालिक के साथ अपना जो समय बिता रहा है, मालिक उसको बता रहा है कि कैसे कारी को हम सिखा सकते हैं और क्यों सिखाना चाहिए, किस प्रकार से घर पे कारी जो है फ्रूट्स के प्रति उसका एक इंटेंस लव जनरेट होता है और किस प्रकार से उसको मना किया जाता है। ना अब थर्ड पार्ट में देखते हैं कि एलिफेंट को कुछ भी चीज़ें सिखाना क्यों ज़रूरी है और क्या सिखाना चाहिए। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एक एलिफेंट को कुछ चीज़ें जरूर सिखानी चाहिए, जैसे कि कब उसे चलना है, कब तेज चलना है, कब धीमे चलना है, कब बैठना है, कब उठना है आदि। यू टीच देम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। और ये चीज़ें आपको ऐसे सिखानी पड़ेगी जैसे आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाई द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर आप उसको धत कहते हैं और कान पकड़ कर खींचते हैं तो वो बैठना सीख जाता है। ये ग्रेजुअली का मतलब क्या है? स्लोली, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट दिस इज द सिग्नल टू वॉक। अगर आप माली कह के उसके ट्रंक को आगे की ओर खींचते हैं, इट मीन्स आगे चलने का आदेश हो रहा है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। कारी जो है एक अच्छा लर्नर था, उसको सिर्फ 3 बार बताया गया माली और वो सीख गया। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसको बैठना सीखने में, धत बोल करके बैठना है ये सीखने में उसको 3 हफ्ते लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, उसको बैठना पसंद नहीं था। एंड यू नो, डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? क्या कभी सोचा है आपने कि एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाना है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 ईयर्स ओल्ड यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। कारण क्या है कि अगर आप उसको बैठना नहीं सिखाएंगे तो आप जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से एलिफेंट बड़ा होगा, और जब वो 2-3 साल का हो जाएगा तब आप उसके ऊपर बैठने के लिए आपको एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप उसके ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए उसको बैठना सिखाना ज़रूरी है, जब वो बैठ जाएगा तब आप उसके ऊपर चढ़ सकते हो। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धत, सो दैट यू कैन क्लाइम अप ऑन हिज बैक, फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आपने अगर उसको बैठना सिखा दिया गया तो आपको अपने साथ लैडर लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, और आज की डेट में लैडर लेके चलना कौन पसंद करता है। तो बेटर उसको सिखाइए हाउ टू सिट डाउन। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। लेकिन सबसे कठिन चीज़ जो एक एलिफेंट को सिखाना होता है वो होता है मास्टर कॉल। नाउ मास्टर कॉल क्या चीज़ है आगे हम देखते हैं। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। एक एलिफेंट को उसको सीखने में करीब करीब 5 साल का समय लग जाता है। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वेयर फाइटिंग ईच अदर, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। ये मास्टर कॉल क्या है? ये एक स्ट्रेंज हिसिंग साउंड है, जो हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड का मिक्सचर है, जो आपको उसके कान में बोलना पड़ता है। और ये कैसा होता है? जैसे कि कोई एक स्नेक और एक टाइगर आपस में लड़ रहे हो, यानी जोर जोर से आवाज़ें भी होनी चाहिए और फुसफुसाने की भी आवाज़ होनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और ऐसा करने से क्या होगा? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। अब बात करते हैं कि अगर सोचिए कि आप किसी जंगल में खो गए जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और सब तरफ सिर्फ काला काला आसमान ही दिखाई दे रहा है और ऊपर सितारे, ऐसे में वहाँ आप ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। द ओनली थिंग टू डू इज देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। बस आपको एलिफेंट के कान में वो मास्टर कॉल बोलना है और वो एलिफेंट अपनी सूंड से, अपने ट्रंक से सामने जो पेड़ पौधे हैं उन सबको गिराना शुरू कर देगा। द
दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इससे सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगेंगे. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन द मंकीज वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. जब पेड़ नीचे टूट टूट कर गिरने लगेंगे तो उससे बंदर भी इधर उधर दौड़कर भागना शुरू करेंगे, एक डाली से दूसरी डाली तक. यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और आप उसको चंद्रमा की रोशनी में देख सकेंगे कि बंदर इधर उधर भाग रहे हैं. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और हो सकता है अगर आसपास हिरण हो तो वो भी इधर उधर भागते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे. यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप दूर से टाइगर के चिल्लाने की लाउड साउंड भी सुन सकते हैं. क्यों? क्योंकि टाइगर भी उस समय घबरा जाएगा कि अचानक से क्या हो गया, जंगल में सारे पेड़ पौधे गिरने लगे, कैसे हो रहा है ये चीज़ देख कर. इवन ही इज फ्राइटेन देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट. हालांकि जब एलिफेंट ऐसा करता है तो वो भी डरा हुआ होता है, रात का अंधेरा है, लेकिन वो जो मास्टर कॉल है वो इसीलिए सिखाया जाता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इस प्रकार से वो रास्ते के सारे पेड़ गिराते चला जाता है. सून यू विल फाइंड आउट दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू अ हाउस, और बहुत जल्द आप पाएंगे कि उसके बाद उसने सारे पेड़ रास्ते के गिरा दिए हैं और आपके घर पहुंचने का रास्ता क्लियर हो चुका है. सो यहाँ मास्टर कॉल का फ़ायदा क्या है कि अगर आप मुसीबत में फंस जाएंगे तो आपका एलिफेंट आपकी मदद करेगा आपको आपके घर तक पहुंचाने में. आप जैसे ही मास्टर कॉल कहेंगे वो सामने के सारे पेड़ गिराना शुरू करेगा और रास्ता बन जाएगा और आप अपने घर तक सुरक्षित वापस आ सकेंगे. तो ये हमारा आज हम ब्रिंगिंग अप कारी का पोर्शन, रीडिंग पोर्शन ख़त्म कर रहे हैं. अभी मैं थोड़ी देर में ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा. आप उन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखिएगा और अगले चैप्टर की तैयारी कीजिएगा. अगला चैप्टर हम फिर से पढ़ेंगे इसी प्रकार से और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी दिया करेंगे. सो टिल देन कीप रीडिंग, एन्जॉय योर डे, हैव अ नाइस डे.